चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। दिल में बसा लिया है तुझको, रू में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रू में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाउ ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फैसल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे, अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह वी प्यारे भैणां ते प्रभु, रोजां दे विच एक बहुत ही खास काम हुंदा आ जिस उते पाकमा कलीसिया सानू ध्यान देण लई कहिंदी है, वो है प्रार्थना करना। वध तो वध जिन्ना हो सके इन्हां रोजिया के समय विच प्रार्थना करना। जो असीं इन्हां 40 रोजिया के दौरान लगातार ते वध वध प्रार्थना करते हैं, तो इन्हां 40 दिनों के दौरान ये प्रार्थना करने वाला काम साडी आदत बन सकता है। तो ये जो आदत जो बन जाती है तो फिर सारे साल दौरान असीं उस प्रार्थना के काम को अगे वधा सकते हैं। आओ असी अपने आप को तैयार करिए, प्रभु की फसल की मांग करिए कि असी हर रोज़ निरंतर प्रार्थना विच अगे वधीए। आओ असी अपने गुनाह गलतियां याद करते हुए माफी मंगिए, सच्चे दिल नाल पछतावा करिए, रल के आखिए, मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते पैणो कि मैं सोचे नाल, बोले नाल, करे नाल, अते गहरी नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत बड़े दोष दे नाल, इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारिया फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ प्राव ते पैनो मैं बेनती करदा हाँ
कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरे कुदरत वाला खुदा साडे उते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ प्रभु अपने परिवार उते नजर कर, बख्श दे कि साडे जिस्मानी कुफारे दे कम्मां दे असर राहीं साडे मन तैनूं पाउण दी इच्छा दी शक्ति नाल तेरी हजूरी विच चमकण। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करदा है सदा तों सदा ते कर। आमीन। पाठ पहला, यशाया नबी दी किताब, उसका 55 अध्याय, उसकी 10 अते 11 आयत। मेरे वचन बर्फ अते मीह दे वांग हन जो आकाश तो हेठ धरती उत्ते पैंदी है, वह फसल नूं उगाउंदी अते बीजन लई बीज अते खाण लई भोजन पैदा करती है। इस तरह मेरे मूहों निकले मेरे वचन हैं जो मेरे उद्देश नूं पूरा किते बिना वापस मेरे कोल नहीं आउंदे, अते ए मेरे ठहराए हर काम नूं पूरा करदे हैं। ए प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। ऐ खुदावंद कुदरत वाले, ऐ खुदावंद कुदरत वाले, उठते अपना हाथ वदा, उठते अपना हाथ वदा, कर नजर तो दुखिया होते, कर नजर तो दुखिया होते, कद ना नानू भुल जा। ऐ खुदा बंद कुदरत वाले, ऐ खुदा बंद कुदरत वाले, क्यों शरीर खुदा दी बाबत कुफर तोलदा रहना है, क्यों शरीर खुदा दी बाबत कुफर तोलदा रहना है, कद ना उसनो पूछेगा तू, कद ना उसनो पूछेगा तू, अपने जी बिच कहंदा ऐ खुदा बंद कुदरत वाले, ऐ खुदा बंद कुदरत वाले, उठते अपना हाथ बदा, उठते अपना हाथ बदा, कर नजर तो दुखिया होते, कर नजर तो दुखिया होते, कद नानू भुल जा। ऐ खुदा बंद कुदरत वाले, ऐ खुदा बंद कुदरत वाले। घरे
घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु तुहाडे नाल होवे, अति तुहाडी रू नाल भी होवे। पान पवित्र अंचील दा सन्मति दे अनुसार तेरी वड्याई होवे ए प्रभु। उसदा 6 अध्याय 7 तो 15 आयत। प्रार्थना करते समय प्राइयां कौमां वांग खाली शब्दां दा ठेर ना लाओ, क्योंकि वह सोचते हैं कि उन्होंने बहुते शब्दों कारण उन्होंने सुनी जाएगी। उन्होंने वांग ना बनो, क्योंकि तुहाडा बाप तुहाडे मंगण तो पहला ही जानता है कि तुहानू की लोड़िंदा है। तो फिर तुसी इस तरह प्रार्थना करो, ऐ साडे बाप जो आसमान उत्ते हैं, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, अते साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी भी अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तों बचा, क्योंकि जेकर तुसीं दूजिआं नूं उन्हां दे कसूर माफ़ करदे हो तां तुहाडा स्वर्गी बाप भी तुहानूं माफ़ करेगा। पर जेकर तुसीं दूजिआं नूं उन्हां दे अपराध माफ़ नहीं करोगे तां तुहाडा बाप भी तुहानूं तुहाडे अपराध माफ़ नहीं करेगा। प्रभु दी पाक अंजील, तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मसीवे प्यारे भैणों ते भराओ, प्रार्थना करना साडे मसीही जीवन की एक आदत होनी चाहिए है। यह नहीं कि जो सानू लोड़ है उदो असी खुदा नू याद करिए। प्रार्थना करना ही खुदा दे नाल गलबात करना है, खुदा नू याद करने वाला काम है। तो यह दिन के किसी भी समय दौरान किया जा सकता है। साड़ी आदत इस तरह की होनी चाहिए है कि असी सोना भुल जाइए, भोजन खाना भुल जाइए, पर प्रार्थना करनी ना भुलिए। कुछ इस तरीके की सिक्ख्या पाकमा कलीसिया सानू देना चाहती है। इस करके रोजां दे समय दे शुरुआत विच भी 3 महान काम, प्रार्थना करना, रोजा रखना, दान पुन करना। इहदा मतलब ये नहीं कि असी सिर्फ इन्हां दिनां विच सारे साल दौरान अपने जीवन के सारे दिनों ये काम सानू करते रहना चाहिए, निरंतर ये करते रहना चाहिए है। हुण जदों असी खुदा नू याद करते हाँ, उहदे अगे प्रार्थना करते हाँ, सब तो पहला साडी जुबान ते उहदे नाँ की महिमा वडियाई करन वाली गल होनी चाहिए है। उहदे नाँ की महिमा करनी, वडियाई करनी, सारिया मिलिया बरकतों उसका धन्यवाद करना। जिन्या असी बरकत हासिल कीतिया हैं सबना लिए उन्होंने धन्यवाद करना। उस तो बाद असी ये वेखिए कि असी खुदा नाल गलबात कर रहे हैं। खुदा जो पवित्र है साडे विच बहुत सारिया बुराइया नूं देख रहा है। सो खुदा चाहता है कि वह बुराइया तो असी मुक्त होइए। इस करके असी अपनिया जिसमानी लोड़ां दे नाल नाल अपनिया आत्मिक लोड़ों भी प्रभु के अगे रखते हैं। एक आत्मिक लोड़ यह है
कि असी अपनिया बुराइया किते गलतियां गुनाहां दी माफ़ी मंगिए। माफ़ी मंगांगे, हासिल करांगे, पवित्र होवांगे। प्रभु इत्थे एक शर्त रखता है, जिन्ना चिर असी दूजे भैणां भरावां नूं माफ़ नहीं करते, जिन्हां ने साडी कोई हानि की है, नुकसान किया है, साडे खिलाफ़ होए आ, विरुद्ध होए आ, जेकर असी उन्हां नूं माफ़ नहीं करते तो असी अधिकार ही नहीं रखते कि असी भी खुदा कोलों माफ़ी हासिल करिए। असी अणगिनत गुनाह गलतियां खुदा के खिलाफ़ कीतियां होणगियां, खुदा के हुक्म तोड़े होणगे। असी उन्हां सारियां गलतियां गुनाहां लई खुदा को माफ़ी मंगना बहुत आसान समझते हैं, बहुत आसान काम। खुदा अग्यों साढ़े मन के सच्चे पछतावे वेख के सानू माफ़ करने की मेहर करता है। जेकर खुदा सानू माफ़ करता है, इस तरीके ना वो चाहता है कि असी भी उन्होंने सारे भैन भरावों को माफ़ करिए, दोबारा सार तो एक बार फिर दोबारा सब कुछ शुरू करिए। शायद असी किसी गलबात नहीं कर रहे, शायद असी किसी बोलते नहीं हाँ, शायद असी किसी मिलते नहीं हाँ, शायद अपने ही घर के भैन भरा होंगे, माँ बाप होंगे, कोई भी परिवार के जी या रिश्तेदारी कोई भी, उन्होंने असी मिलना वरतना छड़िया, बोलना छड़िया, असी दोबारा शुरू करिए। साढ़े दिल में जो नफरत है, ये नफरत हौली हौली खत्म होएगी। प्रभु नहीं चाहता कि साढ़े विच कोई बुराई पैदा होवे जां कायम रहे ते वधदी रहे। इस करके प्रभु चाहता है माफ़ी मंगो। अपने आप विच देखो मेरे विच केड़ियां केड़ियां बुराइयां आ। एक चंगी गल होवेगी जेकर रोजियां दी शुरुआत विच ही असी व्यक्तिगत तौर पर कुछ समा खुदा दे के पेश करिए, खुदा दे विच कुछ समा बिताइए, तो देखिए मेरिया आ गलतियां आ, मेरे विच आ बुराइयां आ, बुरिया आदतां वा, एक एक करके लिखण की कोशिश करिए। फिर जो आप इस तरह करते हैं उस तो बाद एक एक बुराई नूं मिटाउण की कोशिश करिए। खुदा इस तरीके साडे सच्ची श्रद्धा ईमान नूं वेख के इन सारिया बुराइयां नूं एक एक दूर करेगा साडे विचों। नाल ही ओह कहिंदा आ जेकर साडे विच बुराइयां आ, इहदा मतलब कमजोरियां वा, जेकर साढ़े बुराइयां या कमजोरियां, ठीक इस तरीके ना दूजे भैन भरावों में भी कमजोरियां या बुराइयां वा, जेकर वो साढ़े नाल चलन की कोशिश कर रहे हैं तो असं भी किस तरीके उन्होंने चलन की कोशिश करिए। वो सानू बर्दाश्त करते पे आ, असं भी उन्होंने बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। जेकर असं उन्होंने सही सलाह दे सकते हैं, सलाह देने की कोशिश करिए। कभी मन में यह सोचना देखिए कि मेरा उहदे नाल की लेना देना, कोई वास्ता नहीं। जो इदा करते हैं आपां कायन ते हाबल वर्गे हां। कायन कहिंदा मैं अपने भरा नाल कोई लेना देना नहीं रखता, मेरा अपने भरा नाल कोई वास्ता नहीं है। प्रभु कहिंदा नहीं, वास्ता है। जेकर कोई लेना देना नहीं हुंदा तां फिर प्रभु ने उसनूं दोषी नहीं ठहराउणा सी। जेकर इस गल नूं समझदा तो उसने अपने भरा दा कतल नहीं सी करदा। असीं अपने भैणां भरावां दी जिम्मेवारी रखते हैं, चुकते हैं, जिदा वो साढ़े लिए करते हैं असी भी। इस करके उन्होंने माफ़ करना साढ़े विच एक आम गल होनी चाहिए है। फिर तो शुरू करिए, फिर तो खुदा की संतान आ, खुदा साढ़े सारिया एको जिया बरकत बरसाता है। असी ना बरकतों इकट्ठा करने की कोशिश करिए। जो आप माफ़ करने तो मना करते हैं, इन्होंने बरकतों भी असी हासिल करने तो मना करते हैं, क्योंकि ये शर्त है। माफ़ी मंगोगे माफ़ किया जाएगा, नाल ही दूजे नूं माफ़ करोगे तो फिर माफ़ किया जाएगा। इस करके प्यारियो इन्हां रोजां दे विच दुआ करन दे विच, पवित्र बनन दे विच, आग्याकार रहन दे विच, ते अपने भैणां भरावां नाल फिर तो मिलजुल के रहन दे विच, इस जीवन नूं अपने इन्हां 40 दिनां दे रोजां दे विच आपां अपने आप नूं चंगी तरह तैयार करन दी कोशिश करिए कि असीं शुद्ध हो के पूर्ण तौर पर आज्ञाकार बन के पास्का पेदा नूं सही ढंग नाल मना सकी। आओ इस वसली खुदा दे अगे प्रार्थना करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, तुहाडी महिमा वडियाई करदे हां, इस दिन लई धन्नवाद करदे हां। पिता परमेश्वर अज दे वचन लई धन्नवाद करदे हां, दित्तियां सारियां बरकतां नेमतां खुशियां लई धन्नवाद करदे हां। पिता परमेश्वर साडे दिल विच जो भी नफरत है, गुस्सा है, वैर विरोध है, उस नूं दूर करो, मिटा के सानूं अपनी खुशी अपने फसल नाल भरपूर करो। सारे भैणां भरावां नूं तंदुरुस्ती ते चंगी सेहत प्रदान करो।
असीब मांगते हैं साडे खुदावन यीशु मसीह के वसीले आमीन। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजे संजान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजे संजान। अर्पण करा मैं रोजे संजान, अर्पण करा मैं रोजे संजान। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पाया अपना रामा विखा। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पर अपना रामा विखा। बुलाना फिर मैं तेरा कला, अर्पण करा मैं रोजे संजान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजे संजान। अर्पण करा मैं रोजे संजान, अर्पण करा मैं रोजे संजान। प्राउत भैन प्रार्थना करो कि मेरी ते थी कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नो कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नो थोड़े हाथों के विचों अपने नाम की उस्तत दे बड़ियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करें। ऐ पूरी कुदरत वाले ते रचनहार खुदा, असी जो तेरिया अणगिणत दातां विचों लैके आउंदे हाँ उन्हां नू कबूल कर। साढ़े लिए जिस्मानी खुराक वजो जो तू सानू दिता है मेहर करके उसनू तब्दील कर, ता जो ओ साढ़े लिए स्तीवी जीवन लेके आवे। साढ़े प्रभु इस मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। से अपने दिल प्रभु वाल लगाओ। असी अपना दिल प्रभु वाल लगाउंदे हां। असी अपने प्रभु दा धन्नवाद करिए, ए सही अते योग्य है। ऐ प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले अते हर तां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए। हर साल तू सानू आनंद भरिया समा दिंदा है तां जो इस विच असी नवीन किते मन अते दिल नाल पासका पेदा नू सही ढंग नाल मनाउण दी तैयारी करिए। ऐ बाप तो सानू अपनी प्यार परी भगती का जज्बा दिंदा है अते अपने गुआंढियां दी प्यार परी सेवा होर उदवी ढंग ना करन दा फजल दिंदा है। जिवें असी उन्हां घटनावां नू याद करदे हाँ जिन्हां मसीह ने सानू नवा जीवन दिता है, तां तो साडे विच अपने बेटे दे सरूप नू पूरी तरह ढालदा है। इस लई फरिश्तियां ते महाफरिश्तियां अते सारे स्वर्गी लश्करां नाल मिल के असी तेरी मेहमान गीत गाते हुए ये ऐलान करते हाँ। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन। उचियां विच होसना मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम ते आउंदा है। उचियां विच होसना। ऐ प्रभु तो सचमुच पवित्र है अते सब पवित्रता दा सोमा है। इस लिए असं बेनती करते हाँ कि जिस तरह त्रेल पैंती है उस तरह तो अपने रूह पाक नूं भेज के इन्हां नसानियां नूं पवित्र कर, तां जो ये साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। असने अपनी मर्जी नाल
अपने आप नूं तख्त सिंहां लई सौंपदे हुए रोटी लई धन्नवाद करदिआं रोटी तोड़ी आते अपने चेलियां नूं दित्ती। ये कहिंदे हुए तुसीं सारे ये लवो आते इस विच्चों खावो क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान किया जावेगा। इसे तरह भोजन करन तो बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद करदिया बरकत दिती प्याला अपने चेलिया नूं दिता। ये कहिंदे हुए तुसी सारे ये लवो आते इस विच्चों पीओ क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते स्तेवी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई बहाया जावेगा। मेरी याद विच ए करिया करो। ईमान दा पेद ऐ प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जब तक तू फिर आवेगा। ए प्रभु यीशु तेरी मौत आते उदे जी उठन दी यादगारी मनाते हुए तेनु जीवन दी रोटी आते मुक्ति दा प्याला चढ़ाते हाँ। असी तेरा धन्यवाद करते हाँ क्यों जो तू सानू इस योग ठहराया कि असी तेरी हसूरी विच दाखिल होके तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह दे बदन अते लहू विच हिस्सा लैन द्वारा असी रूह पाक दे राही एकता विच बचे रहिए। ऐ प्रभु सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया नूं याद कर अते उस तों साडे संत पापा फ्रांसिस साडे बिशप इग्नेलो सारे प्रभुता धार्मिक सिस्टम ते सब विश्वासी लोकां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैणां भराउआं नूं वी याद कर जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सौं गए हन अते उन्हां सारिआं नूं वी जो तेरे रहम विच मर गए हन इन्हां दा तो अपनी हसूरी दे छानण विच स्वागत कर। ऐ प्रभु असीं बेनती करदे हाँ कि साडे सारिआं उत्ते दया कर तां जो मुकद्दस कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल उसे कुआर दे मुबारक वसन यूसुफ दे नाल तां रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है असीं दिव्य जीवन दे वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उसते राहीं ते उसते नाम ते उसते विच एकदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपा दी एकता विच सब दलाल ते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तेकर आमीन। आओ सिखदा दा राज साडे विच आउण लई प्रार्थना दोहराइए जो प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाई है। ऐसा दे बाप जेड़ा तो आसमान होते हैं तेरा नाम पाक मनाया जावे तेरा राज्य आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उते पूरी होती है जमीन उते भी होवे साडे रोज रोटी सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां सानू अजमाइश विच ना पा सगों बुराई तो बचा। ऐ प्रभु असी प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचाउण आपे रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तीदियां दी मदद नाल असी हमेशा गुनाहों तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए जिवें मुबारक मीह रखते हुए असी यीशु मसीह साडे मुक्ति दाते दे आउण दी उडीक।
कर दे हाँ। क्यों जो राज कुदरत दे जलाल युग युग तेरा ही है। ए प्रभु यीशु मसीह हाँ तो आपने सुलानु आख्या मैं तुम शांति दिना हाँ अपनी शांति मैं तुम प्रदान करता हाँ तो साढ़े गुनाहों नहीं सगो अपनी कलीसिया के ईमान वेख अति उस तू अपनी मर्जी मुताबक शांति एकता प्रदान कर तुझे जिंदा ते राज करना है सदा तो सदा तिकर आमीन। प्रभु की शांति सदा तुहाडे नाल होवे अति तुहाडे रू नाल भी होवे। असि आप वे शांति दा सलाम देइए। अहले ले खुदा दे तू जड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लेंदा है साडे उते दया कर। अहले ले खुदा दे तू जड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लेंदा है साडे उते दया कर। अहले ले खुदा दे तू जड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लेंदा है सानू शांति दे। वेखो गुनाह दा लीला प्रभु यीशु मसीह इनू वेखो जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लै जांदा है तां हन ओ जिहड़े लीले दे बोझ लई सदे गए हन। हे प्रभु मैं इस योग दा नहीं हां कि तू मेरी शत ले आवे पर एक ही शब्द दा तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी। तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। दिन आंसू बहते हैं दुनिया वाले सब कहते हैं है कौन कहाँ है तेरा खुदा। क्यों इतना बेचैन ये क्यों जान निकलती जाती है होगा किस दिन दीदार तेरा कब होगा मिलना रूबरू मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह।
विश्वास से प्रार्थना करिए। हे प्रभु खुदा, इना पवित्र पेदा राही बख्श दे कि अपनिया दुनियावी इच्छा उत्ते काबू पाउंदे हुए असी स्वर्गी चीजा नो प्यार करना सीख लईए। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे, अति तुहाडे रूह नाल भी होवे। सर्वशक्तिमान खुदा बाप अति बेटा ते रूपां तुहां सब नूं बरकत देवे आमीन। कुर्बानी चढ़ाएगी हमसे दी शांति विच जावो, खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर, याद कर ऐ नहायत मेहरबान कुवारी मरियम, पई कदी नहीं सुनया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिया, तेरी मदद चाहदिया, तेरी सिफारिश मांगदिया ते तो खाली क्या होवे। ऐ कुवारी कुवारियां दी अते मेरी मां, इस तसली नाल मैं तेरे को नस के आउंदा हां, अते तेरे अगे खलो के मैं गुना ही रोंदा हां। ऐ दे तारी होए कलाम दी मां, तू मेरी अर्जन हकी ना जान, सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर आमीन। मां मरियम शांति दी रानी साडे लई दुआ कर। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है शमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है शमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी बारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी बारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है शमा, तेरे जैसा ना कोई मिला।